Hello everyone, I'm Samra Osmani and I would like to welcome you all in Balaji Online Classes. Today I am here to teach you fourth chapter of maths, that is multiplication. We can also call it repeated addition. Why? मैं इसे क्यों बोल रही हूँ repeated addition है? क्योंकि हम इसमें एक नंबर को बार बार add कर सकते हैं, यानी अगर हम किसी नंबर को multiply कर रहे हैं तो उसका एक तरीका ये भी है कि हम उस नंबर को बार बार add करेंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा. Basically multiplication जो होता है वो सबसे short way, सबसे easiest way होता है equal numbers को आपस में add करने का. Okay? So in this chapter there are five main topics which I'm going to teach you today. So let's start. Okay, now as I call it repeated addition, मैंने इसे repeated addition क्यों बोला है? For example, यहाँ पे मैं एक number लेती हूँ 3. ठीक है, अब मैं 3 को फिर एक बार plus कर देती हूँ, फिर एक बार plus कर देती हूँ. तो मैंने यहाँ पे 3 को कितनी बार plus किया है? 1, 2, 3. ठीक, अब मैं क्या करूंगी, इसको 3, सब आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होता है. अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाऊंगी और यहाँ पे 3 लिख दूंगी. ठीक, अब हम 3 में प्लस 3 ऐड कर लेते हैं. 1, 2, 3 प्लस 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 हो गया. अब 6 में हम 3 ऐड कर दें. 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हमारा आंसर क्या आ गया? 9. और अगर हम 3 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s 3, 3 1s 3, 3 2s 6, 3 3s 9. तो हमारा आंसर सेम आ गया. ये इसी वजह से हम मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं और ये सबसे शॉर्ट वे होता है इक्वल नंबर्स को ऐड करने का. ओके, सो नाउ ओके, अब हम फॉर एग्जांपल आई राइट 2 × 2, 3 2s 6. ओके, अब मैं इस नंबर को कहती क्या हूं मल्टीप्लिकेशन में, इस नंबर को हम क्या कहते हैं? तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में इस नंबर को कहा जाता है मल्टीप्लिसेंट. ओके, इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर. वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिसेंट वो नंबर है जिससे मल्टीप्लायर, यानी से क्योंकि 3 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस वजह से 3 जो है वो मल्टीप्लिसेंट है और 2 जो है वो मल्टीप्लायर है, यानी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. और 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर 6 आया. 6 क्या है? हमारा प्रोडक्ट, यानी हमारा आंसर. ओके, सो जिस नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है उस नंबर को हम बोलते हैं मल्टीप्लिसेंट. जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर और जो हमारा आंसर आता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ओके, सो बेसिकली देयर आर 3 मेन फैक्ट्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन विच इज गिवेन ऑन पेज नंबर 47 इन योर बुक. व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर हमेशा 0 आता है. फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल में देखिए, 13 को हमने मल्टीप्लाई किया है 0 से. 13 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा. ओके, द नेक्स्ट फैक्ट इज व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ. जब भी हम कोई भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है 17 × 1, यानी 17 ones, तो हमारा जो आंसर होता है यानी जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो सेम नंबर होता है जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं. अभी अगर इसकी जगह पे मैं लिख दूं, इस नंबर की जगह पे मैं लिखूं यहाँ पे 2 × 1, तो 2 ones 2, तो ये नंबर और ये नंबर मेरा सेम हो गया. सो इसी तरह अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर यानी हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम नंबर होता है. द लास्ट वन, नंबर कैन बी
लास्ट है, नंबर कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, द प्रोडक्ट विल बी द सेम। नंबर्स जो हैं वो हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, 9 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 14 को हम 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आंसर हमारा 126 आएगा। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दू 3, 2 और 2 और 3, ठीक। अब आप 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 3, 3 2 6। अब मैं 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ूंगी, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। सो चाहे मैं नंबर को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं, चाहे मैं नंबर को इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई करूं, हमारा जो आंसर है वो सेम रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, आपकी बुक में एक बिल्डिंग मल्टीप्लीकेशन टेबल दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू दिस। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स, यानी हम 3 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। So, I'm going to solve the example which is given on page number 49. हमको मल्टीप्लाई करना है 3 × 4 × 2, इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से। तो हम टेबल 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। तो हमें यहाँ पे आंसर मिला 12। ओके, सबसे पहले हमने ये सॉल्व किया। अब ये जो हमारा आंसर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी हम फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो हमारा आंसर होता है उसको हम 3rd नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, पहले हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, हमारा आंसर 12 आ गया। So, हमने इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, हमें हमारा आंसर मिला। अब इससे हम 3rd नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 12 1 12, 12 2 24। इस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, सबसे इजी तरीका है। पहले फर्स्ट 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर है उससे 3rd नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। इस तरह से एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं आपकी बुक में। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 49। हमें क्वेश्चन दिया गया है 3 × 5 × 6। ओके, और फिर हमको ऐसे दिया गया है 3 × 5 × 6, ठीक। फिर हमें यहां पे दिया गया है ब्रैकेट, फिर हमें दिया गया है इंटू 6, फिर हमको यहाँ पे दिया गया ब्रैकेट। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा ब्रैकेट है, पहले हम इसे सबसे पहले जो ब्रैकेट में नंबर्स दिए हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 5 टाइम 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, ठीक, 3 5 15। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15, जो कि हमारा आंसर है, ठीक। अब इन 2 नंबर्स को, फर्स्ट 2 नंबर्स को हमने सॉल्व किया, हमें आंसर मिल गया। अब इसमें हम 3rd नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 15 में 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ओके, सो हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो हम 15 का टेबल पढ़ते हैं 6 टाइम, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75 and 15 6 90। सो हमारा ये सम सॉल्व हो गया। ओके, सो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 नंबर्स होता है, यानी हम 3 नंबर्स को जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले हम फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसको हम 3rd नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट्स नंबर।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर्स बाय वन डिजिट नंबर, यानी इस टॉपिक में हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन डिजिट से. ओके, यानी सिर्फ हम वन डिजिट यूज करेंगे. ठीक, तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज फोर विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 51. क्वेश्चन आपको दिया है 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2. आपको पता है ये वंस है, ये टेंस है एंड ये 100 है. तो सबसे पहले हम वंस को सॉल्व करते हैं, यानी 2 को 2, यानी 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4. देन हम किसे सॉल्व करेंगे, टेंस को 2 1 जा 2. फिर हम सबसे लास्ट में किसे सॉल्व करेंगे, 100 को 2 1 जा 2. हमारा आंसर आ गया. एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह. मैं कर रही हूं क्वेश्चन नंबर सी 201 into 4, यानी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो वंस टेंस एंड 100. ओके, सो हम सबसे पहले वंस को सॉल्व करेंगे, 4 1 4. देन हम मैंने आपको फैक्ट्स में बताया था कि जब भी हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर सेम नंबर होता है, हमारा आंसर जीरो होता है. सॉरी, जब भी हम किसी नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा जीरो होता है. एंड लास्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 4 1 4 4 2 8. सो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर, यानी हम थ्री डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके ओके, नाउ प्रीवियस क्लास में आपने सिर्फ थ्री डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन किया था. अब इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई फोर डिजिट नंबर. इस चैप्टर में हम फोर डिजिट नंबर का भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे बाय वन डिजिट नंबर. अभी हमने थ्री डिजिट का मल्टीप्लीकेशन किया है बाय वन नंबर, बाय वन डिजिट नंबर. अब हम जा रहे हैं फोर डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करने बाय वन डिजिट नंबर. सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर डिजिट numbers by one digit numbers. Okay, so basically I'm going to solve question number one of exercise 5, which is given on page number 53. I'm going to solve question number B. मैं एक्सरसाइज 4-5 की क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर रही हूं. ये फोर डिजिट नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वन डिजिट नंबर से. ओके, हमें पता है ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है एंड ये 1000 है. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम वंस को मल्टीप्लाई करते हैं. सो 2 into 0, 2 multiply by 0. हमें बहुत अच्छे से पता है अगर हम किसी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 होता है. अब हम क्या करेंगे, हमने वंस को सॉल्व कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे टेंस. 2 into 2, 2 1 2 2 2 4. अब फिर हम 100 को सॉल्व कर लेते हैं. 2 multiplied by 0, क्योंकि 2 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर हमारा 0 आ गया. अब लास्ट बचा हमारे पास 1000, 2 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करना है. सो 2 1 2 2 2 4, ये हमारा आंसर हो गया. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी भी मैं सॉल्व कर रही हूं. 1 1 2 2
into 4. ओके सो ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड है एंड ये थाउजेंड है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम वंस को सॉल्व करेंगे. फोर को मल्टीप्लाई करना है हमें टू से. टेबल पढ़ लेते हैं. फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट. नेक्स्ट नंबर भी हमारा टू है. जो टेंस है हमारा, हम इसको भी टेबल टू टाइम्स पढ़ेंगे. फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट. नेक्स्ट इज हंड्रेड. फोर को मल्टीप्लाई करना है वन से. फोर वन जा फोर एंड द लास्ट वन इज थाउजेंड. फिर हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे. फोर वन जा फोर. ओके सो आप देख सकते हो इस तरह सबसे इजी तरीका है हम फोर डिजिट नंबर को वन डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. हमें फोर डिजिट नंबर दिया गया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया वन डिजिट नंबर से. सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं वंस को, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं टेंस को, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं हंड्रेड को, देन लास्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं थाउजेंड को. सिमिलरली इन थ्री डिजिट नंबर, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे वंस, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे टेंस, देन हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड. ओके नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. ओके सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट एंड थ्री डिजिट नंबर्स बाय टू डिजिट नंबर्स. सबसे पहले देख लेते हैं हमको इस टॉपिक में करना क्या है, यानी आप क्या कह रहा है आपसे. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट एंड थ्री डिजिट नंबर, यानी टू डिजिट और थ्री डिजिट नंबर्स को हमको मल्टीप्लाई किससे करना है, टू डिजिट नंबर से. अभी तक हम नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, वन डिजिट नंबर से. बट अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, टू डिजिट नंबर से. सो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे टू डिजिट नंबर को टू डिजिट नंबर से. ओके सो हम स्टार्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू सॉल्व example which is given on page number 54. So सबसे पहले हम लिखेंगे 23 into 12. Okay. सबसे पहले अगर हम 12 को break करेंगे तो हमारा जो 2 है वो ones में आएगा और 1 जो है वो tens में आएगा. Okay. तो सबसे पहले हम 1 से solve कर लेते हैं. टू थ्री, सबसे पहले हम टू की टेबल को वन में सॉल्व करेंगे. सो वन से स्टार्ट करते हैं. टू को थ्री टाइम्स पढ़िए. टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स. देन हम टू को टू टाइम्स में करेंगे मल्टीप्लाई. टू वन जा टू, टू टू जा फोर. ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया. क्यों? क्योंकि हमने ब्रेक किया है बीच से. टू हमारा वंस है और वन हमारा टेंस में आ गया. सो सबसे पहले हम वंस से हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी टू से मल्टीप्लाई किया है दोनों नंबर्स को. तो हमारा आंसर आया 46. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को वन से. तो यहाँ पे हम जीरो नीचे लिखेंगे. नेक्स्ट हम टेन से स्टार्ट कर लेते हैं. वन को थ्री टाइम्स में पढ़िए. वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री. अब हम वन को टू टाइम्स फिर पढ़ते हैं. वन वन जा वन, वन टू जा टू. एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जो वंस में, जिसको हम ब्रेक करके वंस में रखते हैं जिस नंबर को, उस नंबर से पहले दोनों डिजिट मल्टीप्लाई होती हैं. फिर उसके नीचे जो नेक्स्ट नंबर होता है हमारा, हम उससे दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं. उसके बाद इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों को हम प्लस कर देते हैं. सिक्स जब जीरो में प्लस होगा तो आंसर सिक्स आएगा. फोर को थ्री में प्लस कर लीजिए. वन टू थ्री फोर प्लस वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. क्योंकि टू के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है तो टू एज इट इज नीचे नोट हो जाएगा. सो इस तरह से हम टू डिजिट्स नंबर को टू डिजिट नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं. 23 को हमने 12 में मल्टीप्लाई किया तो हमने 12 को ब्रेक कर दिया, 1 को टेंस में डाला, 2 को वंस में रखा. सबसे पहले हमने 1 से सॉल्व किया, यानी 2 को पहले 3 में मल्टीप्लाई किया, फिर 2 में मल्टीप्लाई किया.
हमारा आंसर आया 46. देन हमने 1 को मल्टीप्लाई किया 3 में और 2 में, हमारा आंसर आया 23. देन हमने इन दोनों को प्लस किया, हमारा आंसर आ गया. ओके, ये तो हमने किया 2 डिजिट्स नंबर का. अब हमको करना है 3 डिजिट्स नंबर को सॉल्व 3 डिजिट्स नंबर में. सो स्टार्ट कर लेते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड. ओके, हमको सॉल्व करना है. आई एम गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 55. 123 मल्टीप्लाइड बाय 34. ओके, अब जैसे कि हमने इसमें किया था, हम 34 को ब्रेक कर लेते हैं. 4 को हम वंस के कॉलम में रखते हैं, 3 को हम टेंस के कॉलम में रखते हैं. तो सबसे पहले हम 4 से तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तो हम सबसे पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 4 थ्री ज़ा 12. हमारा आंसर आया 12, क्योंकि 12 है. सो हम 1 जो है वो 2 को कैरी देंगे. 2 प्लस 1 3 हो गया. लेकिन हम जैसे आप ऐड में करते हैं कि आप पहले ऐड कर लेते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे. पहले हम 4 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 का टेबल 2 में 2 टाइम्स पढ़ेंगे. 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8. अब 8 में हम 1 प्लस कर देंगे. 8 प्लस 1 9. अब लास्ट नंबर है 1, 4 वन ज़ा 4. ये हमने वंस का सॉल्व कर लिया. अब बचा हमारे पास टेंस. अब हम टेंस से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम 3 से 3 को सॉल्व करेंगे. 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9. देन हम 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे. 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6. एंड लास्ट में हम 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे. 3 वन ज़ा 3. सो हमारा 1000 कॉलम भी बन गया. अब मैंने आपको बताया था, जब हम नंबर्स को सबसे पहले हम नंबर्स को ब्रेक करते हैं. 4 को हमने वंस में रखा, 3 को हमने टेंस में रखा. हमने पहले 4 से तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, अपना आंसर लिखा. देन नीचे हमने 3 से दोनों तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया. अब हम इन दोनों डिजिट्स को, जो आंसर आया हमको, हम इनको प्लस कर लेंगे. ओके, सो 2 में अगर 2 0 में प्लस होगा, आंसर 2 आएगा. 9 को 9 में प्लस करेंगे. इसका सबसे इजी वे होता है, हम 9 को 2 टाइम्स की टेबल में भी पढ़ सकते हैं. 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18. ऐसे भी आप कर सकते हो, वरना हम प्लस भी कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऐड कर लेते हैं. यहाँ तक हमने 9 काउंट किया था. 10 11 12 13 14 15 16 17 18. यहाँ पे हमने 8 लिखा. 4 को 1 कैरी किया. 6 और 4 को प्लस करेंगे पहले. 1 2 3 4 5 6 प्लस 2 3 4 6 7 8 9 10. 10 में 1 प्लस किया, 11. फिर हमने यहाँ पे कैरी ओवर किया. देन 3 प्लस 1 4. सो हमारा आंसर आ गया 4182. सो बेसिकली जब भी आपको आएगा इस तरह का क्वेश्चंस कि मल्टीप्लाई 2 डिजिट्स एंड 3 डिजिट्स नंबर, हमेशा याद रखिएगा जो भी 2 डिजिट्स नंबर होते हैं, हम उनको सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं. 2 को हमने वंस किया, 1 को हमने टेंस में रखा. सबसे पहले हमने 2 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, देन हमने 1 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया. सिमिलरली इन 3 डिजिट्स नंबर हमने 34 मिला था. हमने 4 को वंस के कॉलम में रखा, 3 को टेंस के कॉलम में रखा. सबसे पहले हमने 4 से तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, देन हमने 3 से तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया. देन जो भी हमारा आंसर आया था उसको हमने ऐड ऑन कर दिया और हमारा फाइनल आंसर आ गया. ओके ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स. आई होप मल्टीप्लीकेशन की वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए टफ नहीं हो. अगर वैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, अगर आप उन्हें अच्छे से समझ लोगे तो वो बहुत आसान होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 56. सबसे पहले हम क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ेंगे. अ बैग कंटेन्स 103 ऑरेंजेस. हाउ मेनी ऑरेंजेस आर देयर इन 18 सच बैग्स. एक बैग है जिसमें 103 ऑरेंजेस हैं, ठीक, और
हमारे पास टोटल 18 बैग्स हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि 18 बैग्स में कितने ऑरेंजेस हैं। हमको सिर्फ इतना पता है कि एक बैग में 103 ऑरेंजेस हैं। सो हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड बैग्स। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं, हमसे कहा गया है वन बैग कंटेन्स 103 ऑरेंजेस। सो हम लिखेंगे वन बैग कंटेन्स 103 ऑरेंजेस। ओके, एंड हमको कहा गया 18 बैग कंटेन्स, हमें नहीं मालूम है 18 बैग्स में कितने ऑरेंजेस हैं। तो हम कर लेते हैं यहाँ पे 18 bags contain 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम 3-digit नंबर को या 2-digit नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रेक कर लेते हैं, यानी हम 8 को 1s के कॉलम में रखेंगे, 1 को 10s के कॉलम में। सबसे पहले हम 8 से ये जो तीनों डिजिट्स हैं हमारी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 के टेबल को 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 8 1s are 8, 8 2s are 12, 8 3s are 24. तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। ओके, अब हमने यहाँ पे 4 लिखा तो ऑटोमेटिकली 2 यहाँ पे हो जाएगा कैरी ओवर। अब हम 8 को अगर हम 0 में मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 0 आता है। बट अगर हम 0 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। फिर हम 8 को 1 से कर लेंगे, 8 1s are 8। हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर लेंगे, आप क्रॉस कर सकते हो या आप 0 भी लिख सकते हो। देन अब हम 1 से तीनों डिजिट्स को सॉल्व करेंगे। 1 3s are 1, 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3। 1 को भी अगर हम 0 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा 0, एंड द लास्ट वन इज 1 1s are 1। अब हमको मालूम है कि हमें आंसर को, इन दोनों आंसर्स को ऐड करना है। सो नाउ हम इनको ऐड कर लेते हैं। 4 एज इट इज आ जाएगा। 2 को 3 में ऐड कर लीजिए, 2 + 3, 1 2 3 4 5। 8 को अगर हम 0 में प्लस करेंगे आंसर हमारा 8 आएगा। 1 के साथ कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज आएगा। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन 18 बैग्स, हमारे वन बैग में हमें ऑरेंजेस मिले थे 103। हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चल गया कि 18 बैग्स में कितने ऑरेंजेस हैं, 1854। इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। बट प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप क्वेश्चंस को सबसे अच्छे से पढ़े, पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा, देन जो आपको सबसे पहले कहा गया है वो स्टेटमेंट होता है, देन जो आपको पूछा है आप नेक्स्ट वो, उसके बाद आप उसे सॉल्व कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखिएगा 3-digit नंबर को जब आप 2-digit नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो फर्स्ट नंबर होता है इससे हम पहले डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, देन हम नेक्स्ट नंबर से तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद इन दो डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ दिस इज इट। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। ऑल द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर will be uploaded on School Mitra. Kindly copy, download the PDFs from there and just do it properly. And if you have any query, any confusion, we will discuss it in the class. Till then, take care of yourself. Stay happy, stay healthy. Thank you.